हरिचरण, मैंने सुना है केटी पाठक का असिस्टेंट वो लड़का वरुण आया था डॉक्टर जैन के मर्डर के लिए। जी साहब, पर मैडम बोरकर ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। गुड, अगर ऐसा हो जाता ना तो मुसीबत में मुसीबत हो जाती। और एक बात याद रखना, अगर एक भी लफ्ज निकाला ना तो वार्ड बॉय से मरीज बना दूंगा। क्या मिस्टर केडी पाठक तुम पर जुल्म कर रहे हैं? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि इतने सारे केसेस लड़ने के बाद केडी सर का दिमाग फिर गया। हाँ, अचानक बात बात पे इंडियन पीनल कोड के लॉस झाड़ने लगते, वो भी बेवजह। मुझे तो पहले लगा कि सर मजाक कर रहे, लेकिन फिर जब ये सीरियस हुए तो पता चला कि वरुण, तू मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था झूठ बोल रहा है योर ऑनर। मेरा सहायक वरुण झूठ बोल रहा है। इस पर तुरंत मुझ पर झूठा आरोप लगाने के अपराध में आईपीसी सेक्शन 191 लगाया जाए और अदालत में झूठा बयान देने के इल्जाम में आईपीसी सेक्शन 209 और 211 भी लगाया जाए। वाह फाड़क साहब, कमाल है। इस तरह से फटाफट फटाफट एक के बाद एक आप पिनल कोड के जो सेक्शन बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तो चलती फिरती टेक्स्ट बुक की अदालत की है। जैसे नौसिखिए लॉयर के लिए तो आप प्रेरणा रूप है। ले ले। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रेरणा देते 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 आप थक गए हैं, आपको थोड़ी आराम की जरूरत है? योर ऑनर, मैं बिल्कुल नहीं थका। ये भूल जानकारी दे रहे हैं अदालत में, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, और इसके अपराध में इन पर आईपीसी धारा 177 तुरंत लगाया जाए। केडी, आर यू ओके? मैं ठीक हूं योर ऑनर। आपको क्या लगता है कि आईपीसी सेक्शन 89 के तहत मैं अनसाउंड माइंड एंड बॉडी का हूं? नहीं, आप चाहें तो आईपीसी सेक्शन 71 मुझ पर लगाकर मुझसे कसम खिलवाकर बुलवा सकते। केडी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक तुम्हें ये हो क्या गया। ऐसी अब समझा, आप मुझ पर आईपीसी सेक्शन 51 लगाकर मुझे मानसिक रोगी ठहराना चाहते और मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन योर ऑनर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इंडियन पीनल कोड की हर धारा याद है। इंडियन पीनल कोड, कोड पीनल, इंडियन कोड, इंडियन पीनल। मिस्टर जायसवाल। यस योर ऑनर। प्लीज अप्रोच द बेंच। एक मिनट, आप दो वकीलों के बीच में भेद नहीं कर सकते क्या? यस मिस्टर पाठक, जानता हूं। प्लीज मैं भी आता हूं। फॉलो मी। मिस्टर जायसवाल। यस योर ऑनर। मेरे ख्याल से मिस्टर पाठक को मेडिकल या साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। उसे यहाँ क्यों लाए हो? What is the case? सर, उन पे आरोप है कि उन्होंने उनके सहायक वरुण को थप्पड़ मारा। फिजिकल असॉल्ट का केस है इन पर। आईपीसी धारा 351 योर ऑनर। करेक्ट, केस तो बनता है। केडी ने वरुण को थप्पड़ मारा? जी। केडी? जी। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं मनवा के रहूंगा। I mean, मेरे पास प्रूफ है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि इन्होंने हिंसा भी की है, और ये भी साबित कर दूंगा कि पाठक साहब पागल हो गए। योर ऑनर, आईपीसी धारा 177 डेफेमेशन, मानहानि। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये मैंने कहा था, मैं साबित कर दूंगा कि ये हिंसक हो चुके हैं। इससे पहले कि ये और उतारू हो जाए हिंसा करने पे, किसी का खून कर दे, मेरा खून कर दे, प्लीज योर ऑनर, आई प्लीड, इन्हें जेल में डाल दीजिए। योर ऑनर, मैं उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आप मुझे कौन सी आईपीसी धारा के तहत जेल में डालेंगे। प्लीज आप दोनों अपनी अपनी जगह जाइए। योर ऑनर, फॉलो मी। Thank you.
केडी, मेरे ख्याल से लगातार केसों के तनाव में तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए अदालत का सुझाव है कि तुम्हें 2 दिन तक किसी मानसिक चिकित्सालय में रखा जाए। Just for observation. दो दिन नहीं, Your Honor, 2 साल तक इन्हें डाल दीजिए। ये पास ही में जो विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट है, वहीं पे दिमाग ठिकाने लग जाएगा इनका। मिस्टर पाठक, क्या आप इस बात से रजामंद हैं? Your Honor, नहीं मानूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा आईपीसी धारा 270, और ऐसा कभी नहीं कर सकता केडी पाठक। डीके पाठक, डी पाठक के। ओके मिस्टर पाठक, 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन इन विमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। 48 घंटे, केस इज डिसमिस्ड। विश्वास करना मुश्किल है, क्या मिस्टर पाठक वाकई बीमार है? अरे पागल हो गए पागल, बिना बात के इंडियन पिनल कोड झाड़ रहे, अपने आप को जज समझने लगे। अगर केडी सर का ठीक से इलाज नहीं हुआ ना तो पता नहीं क्या कर देंगे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, जाओ और सबूत लेकर आओ। और आप अभियोग पक्ष हैं या प्रतिपक्ष, बोलिए बोलिए। हरिचरण, इन्हें रूम नंबर 26 में लेकर जाओ। देखिए मैडम, वो तो बिल्कुल कोने पर है। अच्छा है, मिस्टर पाठक को एकांत की जरूरत है, ना कोई इन्हें डिस्टर्ब करेगा और ना ये किसी को डिस्टर्ब करेंगे। The case is closed. चलिए। कहाँ? वहाँ। वहाँ कहाँ? जजिस चेंबर में। जजिस चेंबर में, चलो। आप जो कुछ करने की सोच रहे हैं मैं उसे अच्छी तरह समझ रही हूँ मिस्टर वरुण। मुश्किल बढ़ा रहे हैं आप। हाँ तो मिस्टर गुलाबी टोपी, ये बताइए कि आपका केस नंबर क्या है? मैं बहुत मशहूर वकील हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लड़ू, मैं लड़ सकता हूँ। मुझे आईपीसी की हर धारा पता है। मुझे देखो, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें डाइवोर्स चाहिए होगा। वैसे मैं डाइवोर्स केस लड़ता नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं डाइवोर्स। आपका कमरा है, यहाँ पानी है, 10 मिनट के बाद टीवी भी रखोगा और डॉक्टर मालिया आपको बुलाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। नमस्कार। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यार सुंदर, वो जो किशोर वर्मा के बिस्तर से तुम्हें चाकू मिला था, उसका हैंडल नहीं मिला तुम्हें? वो क्या है ना, अगर वो हैंडल मिल जाता तो हो सकता है कि उस हैंडल पर हत्यारे की उंगलियों के निशान हो और हम हत्यारे तक पहुंच जाए। इसको पहचानते हो क्या, इस चिट्ठी को? सुंदर, ये सुंदर। मिस्टर पाठक, आपको यहां नहीं कॉमन रूम में होना चाहिए। अदालत बर्खास्त की जाती है। फॉलो मी। उसकी बातों पे कभी गौर ही नहीं कर पाता था, उसके चेहरे से कभी नजर ही नहीं हटती थी। बिना कुछ कहे मेरे दिल की हर बात जान लेती थी। मैट्रिक, पता है तुझे परसों रात को टेरेस पे कौन आया था? सल्लू भाई, एक से टाइगर वाले। ये सब बातें बंद कीजिए और ये लीजिए। I'm serious man. आल करते हो पांडे जी। कभी जिंदगी में 3 चीजें अंडर एस्टिमेट करना, मैं, तू एंड माय सेल्फ।
आपको यहाँ से किसी ने गुमनाम खत भेजा है और आप उसी की तलाश में आए हैं, राइट? राइट डिटेक्टिव साहब, ये भी तो पता लगाना है कि डॉक्टर जैन की हत्या किसने की। अब आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, आपके सहयोग और सहायता के बिना कैसे पता लगाएंगे? शाबाश, बहुत आगे जाओगे बच्चे। धन्यवाद। अब मेरी बात गौर से सुनो। लेटर मिट्रन ने लिखा है। मिट्रन ने? कैसे? हाथ से ये लिखावट उसी की है। हाथ से टाइप्ड लिखावट और ऊपर से लेडीज परफ्यूम भी। आईपीसी धारा 9999 के तहत हर पागल को यहां से रिहा कर दिया जाए। हाँ वरुण, बोल। सब प्लीज बी केयरफुल। और हाँ सब, वो मेट्रिन बोरकर को शक है कि आप ढोंग कर रहे। जानता हूँ वरुण, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे यहाँ अपना काम खत्म करके बाहर निकलना होगा। सब, आपको पता चला कि किस नॉर्मल आदमी ने वो लेटर भेजा था? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन ये पता लगा रहा हूँ कि किस किसने नहीं लिखा, किसने लिखा है अपने आप पता चल जाएगा। चल बाय। ऑलराइट सर। क्या बात है, आपके पास भी खुफिया फोन है? तो मुझे क्या कच्चा जासूस समझे आपने? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए। हाँ, ये तस्वीर तो डॉक्टर जैन के हत्या के समय की है। मैंने पुलिस के आने से पहले चुपके से खींच ली थी मेडिसिन रूम में और तब से ही इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ सीक्रेटली। डिटेक्टिव साहब, ये बताइए कि ये डॉक्टर जैन के जेब में जो चाबियां हैं, ये कहाँ की चाबियां हैं, जानते हैं आप? वही तो, मैं भी तो वही कहता हूँ, चाबियां कोई जेब में रखने वाली चीज़ है? उसे तो गले में लटका के घूमने वाली चीज़ है, बेवकूफ लोग। उस पर बराबर नजर रखो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जी सर, मेरी समझ में नहीं आता कि के.पी. पाठक अपनी प्रॉब्लम सुलझाने आए या हमारी बढ़ाने। हाँ मिस्टर गुलाबी टोपी, दवा खाने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आईपीसी धारा सेक्शन 373 के तहत ये जो दवा है। हाँ, तुम गोली खा लो। खा रहा हूँ दवा, लेकिन आईपीसी सेक्शन 373 के अंतर्गत अगर दवा ही खा लो। कब से कह रहा हूँ दवा दो दवा दो दवा दो, तुम दवा नहीं खिला रहे हो, बातें बनाए जा रहे हो, लाओ मेरी दवा दो। हाँ, दवा तो खा ली। अब सुनो, आईपीसी धारक, ओ गुलाबी टोपी, ओए, ऑर्डर ऑर्डर। दवाई का कुछ करना पड़ेगा। मन बलवान लागे चट्टान, रह मैदान में आगे, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, जो सरदार भाई है यार वही सरदार ताके, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। भाई मैदान से सीधा टाकी में। भाई सल्लू भाई, भाई अरे भाई इधर, भाई सल्लू भाई, अरे भाई इधर,
अच्छा, असल में सलमान खान? और नहीं तो क्या, कल तो भाई बिल्कुल चुलबुल पांडे बन के आए थे, दबंगगिरी कर पतंग उड़ाने आए थे, फिरकी और मांजा था उनके पास, लेकिन पतंग नहीं थी उनके पास। कमाल की बात है, भाई आए पतंग उड़ाने, पतंग ही साथ नहीं लाए। कोई बात, अगली बार आए तो उन्हें धर के रखिएगा, पतंग ले आऊंगा। हाँ शुक्ला जी बोलिए। केडी माय फ्रेंड। हाँ जी, हाँ जी, इनसे मिलो, शहर के सबसे बड़े शेयर ब्रोकर। अच्छा, मार्केट गिरा और ये ब्रोक हो गए। हाँ बरा, भारी भारी सा लग रहा है सर मेरा। एक खेल खेलते हैं, खेल के नियम मैं सबको सिखाता हूं, लेकिन सर दर्द कर रहा है इसलिए एक ही बार बताऊंगा, सब मेरी ओर ध्यान दीजिए। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, हम यहाँ एक खेल खेलने जा रहे हैं, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ शुक्ला जी धन्यवाद, मखदूम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, भगत जी आप यहाँ आ जाइए, भगत जी के लिए जगह बनाइए। अब मखदूम, खेल यह है कि तुम्हें जिस गेम से खेलना है वो भगत जी ने उस अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, समझ गए? अलमारी की चाबी इनकी जेब में है। अब बताओ कि अपने गेम तक पहुंचने के लिए तुम क्या करोगे? देख रहा था कि तुम मखदूम ने चाबियों से अलमारी खोली, अपना गेम लिया, चला गया, चाबियां यहीं छोड़ के चला गया, लेकिन तुम्हारे मोबाइल फोन में डॉक्टर जैन के शव की जो तस्वीर थी उसमें अलमारी की चाबियां उनके कोट के जेब में ही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉक्टर जैन की चाबियों से अलमारी नहीं खोली गई, अलमारी किसी और चाबी से खोली गई। मेरे सहायक वरुण का यह कहना है कि मास्टर की मेट्रन के पास रहती है। आंधी तूफान, मतलब भाई आने वाले हैं। पाठक क्या हो रहा है सब? इन्हें लेके जाओ जल्दी। मेट्रन देखिए जो हुआ वो मुझे खुद समझ भी नहीं आया कि इतना अचानक इतना गुस्सा मुझे क्यों आ गया। I'm sure दवा का असर हो गई है। You really have a mental problem, Mr. Pathak. क्यों दूसरों के फट्टे में टांग डालते हो? अरे अपने काम से काम रखो। Wow!
रिंग? जब शिफाली देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। गुड वर्क। थैंक यू सर। कल आपका डिस्चार्ज है और दोपहर में केस की सुनवाई भी है। याद है मुझे, इसलिए आज रात को ही इस केस की तह तक पहुंचना पड़ेगा। चल भाई। सल्लू भाई को भी ऐसे ही मारा था करण अर्जुन में, उन्होंने दूसरा जन्म लिया बिल्कुल अपन की तरह। चाकू भी फिल्मी और अपन भी। ए मेटरन ने तुझे इस टीचू टीचू चाकू के साथ देख लिया ना, तो तुझे फुल टू फिल्मी कर देगी। बिल्कुल सही टाइम पे आए भाई, आ गए सल्लू भाई। चलो 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 सल्लू भाई। भाई तेरा नाम बन गया है भाई, राधे को ढूंढने आएगा भाई। सलमान यहाँ क्यों आए गए? सलमान नहीं है, तेरी दवाओं का असर है। अरे दवाओं का नहीं भाई, की दुआ का असर है। बोला था ना सलमान भाई आते, देखो ना। सल्लू भाई देखो कौन है मेरे साथ। उड़ा उड़ा दबंग दबंग दबंग। ये मुझे देखकर भागा क्यों? अरे अरे भाई के पास जा रहे हो। बांधा क्यों हुआ मुझे? ताकि आप फिर से मुझे मारने की कोशिश न करें। इंस्पेक्टर दवे, इनकी दिमागी हालत सचमुच बहुत खराब हो चुकी है। पहले ये घातक थे, अब खूनी बन रहे हैं। किसका खून करने की कोशिश की? आपकी, उस नकली चाकू से। केड़ी, ये चाकू असली है।
ये चाकू था ही नहीं दबे, कोई और चाकू था, किसी ने चाकू बदल दिया। अब इन्हें नया भ्रम शुरू हो गया है, आधी रात को चाकू लिए ये डॉक्टर मालविया के पीछे। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तो ये मुझे मार डालते। केडी तुम ठीक हो ना? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ दबे, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं केस ना लड़ सकूं। अब बोल, मुझे अदालत जाना है, किशोर वर्मा के केस की सुनवाई है। केडी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम पागल हो गया क्या? खोल मुझे दबे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा दबे, मुझे खोल। दबे दबे सुन, इस बार डोज डबल होनी चाहिए वेटरन। यस डॉक्टर। मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा, मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। मुंह खोलिए मिस्टर पाठक, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आप आराम से चैन की नींद सोएंगे। अब हम अदालत जा रहे हैं। क्या है कि वहां पर किशोर वर्मा के केस की सुनवाई है, वहां सब होंगे लेकिन आप नहीं। मिस्टर पाठक, तुमने मेरा पीछा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं अदालत से वापस आकर तुम्हें इस हॉस्पिटल का परमानेंट वासी बना दूंगा। अफसोस मिस्टर केडी पाठक, जो मानसिक रोगियों का केस सुलझाते सुलझाते खुद इतना उलझ गए हैं कि अब खुद उस अस्पताल में भर्ती, तो अब वो केस लड़ने के लिए तो आ नहीं सकते। वैसे भी योर ऑनर, अब केस में बचा ही क्या है, पिछली सुनवाई में मैंने सब कुछ साबित कर ही दिया था। अब तो आप अपना फैसला सुनाए योर ऑनर। हाय, इस केस पर कोई निर्णय तक पहुंचे उससे पहले योर ऑनर, अगर डॉक्टर मालविया का राज आप जान लें तो आपको निर्णय तक पहुंचने में सरलता रहेगी। कैसा राज? डॉक्टर मालविया का राज ये है कि वो विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहे थे, जिसके चलते वो गवर्नमेंट से मिली सब्सिडाइज दवाइयों को बाहरी मुल्कों के बाजारों में बड़ी बड़ी कीमतों पर बेच रहे थे, और यहाँ विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट के मरीजों को बहुत ही घटिया दवाइयां खिला रहे थे। इस कांड के चलते करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए। ये झूठ है, आप किसकी बातें सुन रहे हैं? केडी खुद खुद मेंटल केस है। हाँ डॉक्टर मालविया, बात तो आपकी सही है, मैं हूँ मेंटल केस। कई लोग डिबेट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि केडी पाठक का आईक्यू लेवल इतना कैसे बढ़ गया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर मुद्दे पर आते हैं, आपने डॉक्टर जैन को इसलिए मारा क्योंकि डॉक्टर जैन को आपके इस कांड के बारे में पता चल गया था, वो आपका पर्दाफाश करना चाहते थे। उन्होंने विमला देवी मानसिक चिकित्सालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र भी लिखा था आपकी कंप्लेंट करते हुए, क्या ये सही है या नहीं? अच्छा, कहाँ है वो पत्र? पत्र, वो पत्र तो आपने जैसे ही पढ़ा उसे फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन आप ये भूल गए कि डॉक्टर जैन ने वो पत्र अपने कंप्यूटर पर टाइप किया था, और उनके कंप्यूटर से मैंने उसकी एक कॉपी निकाली है जो मेरे पास है। देखना चाहेंगे? ये देखिए, डॉक्टर मालविया, डॉक्टर जैन ने तो इसमें साफ साफ लिखा है आपकी दवाइयों के स्कैम के बारे में।
योर ऑनर, ये सच है, ये सच है कि मैं स्कैम चला रहा हूं। लेकिन योर ऑनर, जैन का कत्ल मैंने नहीं किया है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ये मार ही कैसे सकते हैं, उस रात तो ये वहां मौजूद ही नहीं थे, है कि नहीं? जी योर ऑनर, उस रात मैं जीएस होटल में अपने भाई से मिलने गया था, क्योंकि वो अमेरिका जाने वाला था। अच्छा, होटल में गए थे आप, तो इसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत तो अवश्य होगा। अरे उनसे क्या पूछ रहे हैं सबूत, हमसे पूछिए। ये सबूत है योर ऑनर, उस रात उस होटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। योर ऑनर, ये आवश्यक नहीं कि षड्यंत्र का रचयिता हत्या स्वयं करे। ये भी तो हो सकता है योर ऑनर कि डॉक्टर मालविया ने यह हत्या करवाई हो, मेट्रन बोरकर या फिर वार्ड बॉय हरिचरण के द्वारा। लेकिन साहब, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में था, मैंने डॉक्टर जैन को नहीं मारा। क्या इस बोरकर ने? मैं नर्स रूम में थी। ऐसी और इस बात का कोई गवाह है आपके पास? पहले आप कोई गवाह पेश कर सकते हैं जो ये साबित कर सके कि मैंने डॉक्टर जैन को मारा? योर ऑनर, मेरे पास एक गवाह है जिसने कत्ल होते तो नहीं देखा लेकिन कातिल को देखा है। कौन? विमला देवी चिकित्सालय का एक रोगी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, किसी भी पागल की गवाही, ठीक, किसी भी मानसिक रोगी की गवाही अदालत में मानी नहीं जा सकती। योर ऑनर, वास्तविकता में ये रोगी रोगी नहीं है, ये रोगी होने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। कौन है ये? वरुण, मिस्टर शुक्ला। मिस्टर पाठक जी, आप होश में तो हैं? मिस्टर शुक्ला एक दिमागी मरीज है। नहीं मेटर बोलकर, ये दिमागी मरीज नहीं, एक बहुत ही खूनहार अभिनेता है। योर ऑनर, मैं शुक्ला जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ये ठीक बात नहीं है केडी साहब, आप जानते हैं मैं कितना जरूरी केस सॉल्व कर रहा था, आपके असिस्टेंट ने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया है। सर, हमारे एक मरीज की चप्पल खो गई, उसी केस में लगा हुआ था सर। रात भर में ये सोच रहा था कि क्या होगा, क्या आएगा? 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 शुक्ला जी, सर, जब कोई व्यक्ति दर्द में होता है तो वो अपनी मातृभाषा में उच्चारण करता है, तो मानिक चंद शुक्ला जी, आपकी मातृभाषा मराठी कब से हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कहीं तरी त्रास आएगा शुक्ला जी? नहीं नहीं, कहीं त्रास नहीं, बस रास्ता पार कहीं। सब पड़ा, चला बोला। मेरा असली नाम विकास केलकर है, लेकिन मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। दरअसल मुझे शेयर ब्रोकर मिस्टर भगत के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहता ने विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा, एक खुफिया जासूसी मिशन के लिए। क्या क्या कोई विशेष मिशन था ये? क्या था मिशन? मिस्टर भगत के स्विस बैंक अकाउंट में $4 करोड़ थे और मिस्टर मेहता उनसे उसी बैंक अकाउंट का कोड जानना चाहते थे। कोड क्या है? शायद वो सारा पैसा निकालना चाहते थे, लेकिन मिस्टर भगत की दिमागी हालत तो आप मानसिक रोगी बनकर आपने उस संस्था में प्रवेश किया ताकि आप इस कोड को हासिल कर सके। जी, लेकिन इस दौरान मैंने डॉक्टर जैन के हथियारों को देख लिया था।
मैं किसी से कुछ बोल नहीं सका। मुझे डर था कहीं मेरा राज न खुल जाए, इसलिए मैंने मिस्टर वरुण की जेब में वो लेटर डाल दिया ताकि मिस्टर पाठक ये केस सॉल्व कर सके। कौन था वो व्यक्ति जिसे आपने देखा था? सलमान? सलमान खान? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। नहीं, सलमान नहीं, लेकिन सलमान के लिबास में कोई, लेकिन ये बात तो पक्की है कि किशोर वर्मा तो नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, किशोर वर्मा नहीं है तो कौन कौन, क्या लगता है आपको कौन थे वो? शायद मखदूम। मखदूम तो उस रात संस्था के लिबास में ही था, अपने कमरे में था। अच्छा, फिर सब मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। आपको नहीं पता है लेकिन हमें पता है योर ऑनर, ना डॉक्टर मालवीय, ना मैटर, ना चपरासी, ना कोई पेशेंट, तो फिर खून किया किसने? ये किशोर वर्मा है खूनी योर ऑनर, किशोर वर्मा। कौन हो सकता है? और छत पर सलमान कौन है? वरुण, तुमने शिफाली को रिंग दिया? मेरा तो लकी खराब चल रहा है। शिफाली के बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा था, सोचा रिंग देने से पहले रिंग साफ कर लूं। अचानक रिंग मेरे हाथ से स्लिप हुई और सीधा नीचे ड्रेन के अंदर। अब रिंग निकालूं कैसे? अरे वैसे ही जैसे बचपन में निकाला करते थे, एक धागा ले, धागे के एक सिरे पर च्युइंगम लगा और उसे। वरुण चल। सर कहाँ? रिंग ढूंढने? हथियारा ढूंढने। सर सलमान खान, एक मिनट दबे होल्ड कर। ओ भाई, तू जो ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। आ जा नीचे। हाँ दबे, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट चाहिए। वार्ड बॉय हरिचरण। जी हाँ योर ऑनर, यही हर रात सलमान खान को टेरेस पर मांझा और चुंबक लिए उस चाकू के हैंडल को निकालने का प्रयास करता, क्योंकि उस पाइप के सामने एक ही खिड़की थी मखदूम के कमरे की, और मखदूम सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था। अगर वो इसे देख भी लेता और किसी को ये बात कहता कि मैंने सलमान खान को देखा है, तो कोई ऑब्वियसली उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अब हरिचरण साहब, आगे की कहानी या मैं बताऊं या आप बताएंगे? हाँ सर, डॉक्टर मालविया के साथ उनके दवाइयों के कारोबार में मैं मिला हुआ था, जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर जैन उनकी कंप्लेंट करने वाले, तो मैं डर गया। अगर डॉक्टर मालविया पकड़े गए तो आज नहीं तो कल मेरा नाम जरूर लेंगे, इसलिए मैंने उस रात किशोर वर्मा को बेहोशी की दवाई दी ताकि वो बेहोश हो जाए, और सलमान खान का रूप धारण कर लिया, और डॉक्टर जैन की मैंने हत्या कर दी। Thank you.
मिल्टन के मास्टर की चुरा कर मैंने दवाइयां चुराई। और फिर बेहोश किशोर वर्मा के कपड़ों पर मैंने डॉक्टर जैन का खून लगा दिया और व्हील चेयर पर बिठाकर उसे हॉस्पिटल के बाउंड्री पर जाके छोड़ दिया और दवाइयां उसकी जेब में डाल दी और दूर से बोतल फेंक दिया ताकि चौकीदार सतर्क हो जाए और किशोर वर्मा को पकड़ ले। इस समय में ये भूल गया कि वहां मैं चाकू छोड़ आया। जब मैं वहां चाकू लेने के लिए गया तो किसी के आने की आहट सुनाई थी। मैं डर गया, जल्दी से मैंने चाकू उठाकर टंकी में चढ़ गया और पाइप में चाकू डाल दिया। और तुम्हें इस बात का भय था कि अगर किसी को वो चाकू मिल गया तो तुम फंस जाओगे, इसीलिए रोज रात को तुम टेरेस पर जाकर उस चाकू को निकालने का प्रयास कर। जी साहब, चाकू के टूटकर दो हिस्से फेंके, मुझे सिर्फ ब्लेड मिला जिसे मैंने किशोर वर्मा के गद्दे के नीचे रख दी। और वो नकली चाकू जो मेरे पास थी वो तुम्ही ने बदली थी। जी साहब, और आपकी दवा भी। सब कुछ मेरा किया धरा है। एंड योर ऑनर, इनकी इनके बयान पर हस्ताक्षर के रूप में ये चाकू का हैंडल जिस पर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं के उंगलियों के निशान है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी मेज पर है। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत हरिचरण सिंह को डॉक्टर जैन के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर किशोर वर्मा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. Thank you so much, Mr. Pathak. आपने मेरी जान बचा ली। अब तक तुम पूरी तरह से बचे नहीं हो। समय समय पर दवा लेते रहना ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और हवा में बातें ना करो। I must say, you are a genius. किससे बातें कर रही? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.